जिला मंडी के द्रांग पंचायत में माता न्यूल मंदिर के पास गत दिन एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराकर सड़क से करीब 150 फुट नीचे जा गिरी। कार में 3 बच्चे, 1 महिला पुरुष सवार था, जिसमें से महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार मालिक और बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें जोनल अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। आपको बता दें कि ये सभी सदस्य एक ही परिवार के हैं। घटना के बारे में जानकारी देते हुए SHO सुनील कुमार ने बताया कि ये हादसा धरान पंचायत में माता न्यूल मंदिर के पास हुआ, जब एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। कार 150 फुट नीचे जा गिरी। इस दौरान कार में सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई और उत्तक घायलों को जोनल अस्पताल मंडी में भर्ती करवा दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। SHO ने बताया कि महिला का पोस्टमार्टम करवाकर सब परिजनों को सौंप दिया गया है और पुलिस घटना के कारणों की जांच में जुट गई है। 7:15 बजे के आसपास पुलिस चौकी पंडो में सूचना मिली थी कि एक कार न्यूल के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई है। गाड़ी का नंबर HP 22C 0710 बताया गया। उसमें 5 लोग सवार थे और एक टर्न पे वो गाड़ी 150 फुट नीचे जा गिरी और उसमें एक महिला की मृत्यु हो चुकी है। पुलिस ने मौका पर जाकर अपनी तफ्तीश अमल में लाई और केस रजिस्टर कर लिया है। जो मृतका थे उनका पोस्टमार्टम करा के उनकी डेड बॉडी हैंड ओवर परिजनों को कर दी गई है। दुर्घटना के क्या कारण रहे हैं, इसके बारे में अभी जांच प्रक्रिया जारी है।